जिंदगी में अगर भूल कर भी इस चीज का सेवन कर लिया तो पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि पत्थर भी हजम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है, अगर खाया पिया हजम नहीं होता, जो भी खाते हैं सब सूख करके आंतों में चिपक जाता है, आंतों में आपको चिकनाहट नहीं है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बना रहता है, कब्ज बहुत बनता है, फाल्स भी हो गई है, मस्से भी सूज गए हैं और फिसर भी हो गया है, मस्सों में एक चीरा लग गया है जिसमें बहुत तेज दर्द, खुजली और जलन मचती है, तो घबराए नहीं। आज एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूँ जिसको घर बैठे आप इन सभी समस्याओं से आसानी से निजात पा सकते हैं। तो इस दिव्य नुस्खे को कैसे बनाना है, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपको 8 प्रकार की औषधियाँ लेनी है, जिसमें से पहली औषधि है अर्जुन छाल, दूसरी औषधि है गुड़हल के फूल, तीसरी औषधि मुलैठी लकड़ी, चौथी औषधि आंवला छाल, पांचवी औषधि रेवंध चीनी, छठवीं औषधि कुटकी, सातवीं औषधि वच मीठी और आठवीं औषधि है मकोए का पंचांग। अब आइए इसकी मात्रा और इनकी पहचान समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह अर्जुन की छाल आपको लेना है 50 ग्राम, यह गुड़हल के फूल आपको लेना है 50 ग्राम, यह मुलैठी आपको लेना है 50 ग्राम मुलैठी लकड़ी, यह आंवला छाल आपको लेना है 200 ग्राम, यह रेवंध चीनी आपको लेना है 200 ग्राम, यह कुटकी आपको लेना है 40 ग्राम कुटकी, यह बच मीठी आपको लेना है 30 ग्राम बच मीठी, यह मकोए पंचांग आपको लेना है 100 ग्राम मकोए पंचांग। अब देखिए दोस्तों, आयुर्वेदिक नुस्खा बनाने के लिए बताई गई सभी जड़ी बूटियां A1 क्वालिटी की हो, असली हो और ज़्यादा पुरानी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर इन्हें साफ़ सुथरा कर लें और साफ़ सुथरा करने के बाद इन सभी जड़ी बूटियों को आप खरल मूसल में डाल दीजिए और इनको अच्छे से कूटिए, इनको इतना कूटिए कि ये कूटते कूटते बिल्कुल महीन से महीन चूरन हो जाए। चूरन जब महीन से महीन कुछ इस तरीका से हो जाएगा ना, तो फिर इस चूरन को आपको करना क्या है, एक छन्नी लेना है और छन्नी में डाल करके अच्छे से छान लेना है, और छनने के बाद जो ऊपर बचता है ना कचरा, उसे दोबारा से खरल में डाल करके कूटना है, फिर से छानना है, और छना हुआ चूरन कुछ इस प्रकार से महीन नज़र आएगा। अब इस चूरन को आप डिब्बे में पैक करके रख दीजिएगा, बस आपका नुस्खा बन करके तैयार हो चुका है। अब आइए समझ लेते हैं कि इस दिव्य नुस्खे को, इस दिव्य चूरन को कैसे सेवन करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा कब्ज बनती है, ज़्यादा आपको समस्या हो गई है, पाचन शक्ति ज़्यादा मंद पड़ गई है, आप तो इससे कैसे सेवन करेंगे दोस्तों, दिन में 2 बार सुबह करना है और शाम को प्रयोग करना है। सुबह खाना खाने के आधे घंटे बाद आधी से 1 चम्मच लीजिए, ऊपर से गुनगुने जल अथवा नॉर्मल जल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा शाम को करना है। दिन में 2 बार अगर प्रयोग करते हैं ना, तो कब्ज फिसर पाइल से सब ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप करके देखिएगा, यकीन मान जाएंगे। धन्यवाद।